हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सफ़ेद रसगुल्ला, वाइट रसगुल्ला, स्पंजी रसगुल्ला रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसे गैस पर चढ़ा दी हूँ। अब मैं गैस जला रही हूँ और इसे बॉईल कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने छेना निकालने के लिए मैंने विनेगर लिया है। इसमें जितना विनेगर है उतना ही पानी ऐड करूँगी। और इस तरह से दूध को आप चलाते रहें जब तक कि वो खौल नहीं जाता है। इसमें उबाल आने के बाद आप हमें गैस ऑफ कर देना है और 2 मिनट दूध को यूं ही छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसमें से छेना को अलग करना है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा और कितना स्पंजी बनता है। आज मैं आपको सफ़ेद रसगुल्ला बनाने की रेसिपी बहुत अच्छे से बताऊंगी, बहुत अच्छे से, जो कि आपके मुंह में जाते ही खुल जाएगा बहुत अच्छे से। आप देखिए ध्यान से, ठीक है। मैं भी इस क्षेत्र में, कुकिंग के क्षेत्र में नई नई आई हूँ, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। हमें सपोर्ट करें, आगे बढ़ने में मदद करें। आप देखिए फ्रेंड्स, दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ, इसको चलाते रहना है बस 2 मिनट, इसको ठंडा होने देना है 2 मिनट। इसको चलाते रहना है क्योंकि इसमें मलाई, इसके ऊपर मलाई ना आ जाए। बस 2 मिनट इसको सेट होने दीजिए। मैं इसमें विनेगर डालूंगी, मैं दूध में धीरे धीरे विनेगर डाल रही हूँ और इसे ऐसे धीरे धीरे चलाते रहिए। धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो गया है, अलग पानी इससे अलग हो रहा है और छेना अलग हो रहा है। अच्छे से जब ये अलग कर लेना है छेना को, छेना अलग हो चुका है। छेना निकालने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर मैं छलनी रख दे रही हूँ और इसमें डालूंगी छेना को। मैं इसे अच्छे से धो ले रही हूँ क्योंकि इसमें विनेगर का जो खटासपन है वो निकल जाएगा। अच्छे से इसे धो ले। थोड़ी देर दबा के, कोई भारी चीज़ से, हल्का, ज़्यादा वेट नहीं, लाइट वेट से दबा करके इसको रखते हैं ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे। दबा दबा करके भी निकाल सकते हैं, जितना आप निकाल दीजिए। इसे छन्नी में ही रख दे रही हूँ जब तक उधर छेना फ्रेश हो रहा है, तब तक मैं इधर रस बना ले रही हूँ।
इसके लिए मैंने इस मग से एक मग चीनी लिया है और इससे तीन मग पानी दूंगी। दो हुआ, एक और पानी ला रही हूँ, घट गया है पानी। तीसरा, तीन मन हो गया। इसे इस तरह से चलाते रहे, आप इसमें चाहे तो कोई फ्लेवर डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस या केसर वगैरह। ये सफ़ेद केसर डालने से ये सफ़ेद तो नहीं दिखेगा, कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए इसमें मैं केसर ही डाल देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। छेना भी रेडी हो चुका है, इसको मैं निकाल रही हूँ। सॉफ्ट सॉफ्ट हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। अब मैं इसमें एक चम्मच अरारोट डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मसलना है, कम 10 मिनट तक, हाथ के इस पोर्शन से, यहाँ से अच्छे से मसलना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसमें कहीं भी गांठ नहीं रहे, छेना में एक समान वो हो जाए। छेना हो चुका है स्मूथ स्मूथ, अब मैं इसका लोई बना लेती हूँ। ये 7 पीसेज बना है, चाशनी में भी उबाल आ गया है, पूरी तरह से ये खोल रहा है। अब मैं इसमें एक एक कर बनाऊंगी और एक एक कर डालूंगी ताकि इसका उबाल, जो ये बुलबुले हैं, ये बना रहे चाशनी में, ये कम ना हो। धीरे धीरे डालूंगी कि वो चाशनी खोलते ही रहे, इसका उबाल शांत ना हो, बुलबुला शांत ना हो। अच्छे से ये एक समान बने, कहीं से भी फटे हुए ना हो रसगुल्ला। हलवाई लोग इसमें रीठे का पानी डालता है खोलने के लिए, कि ये खोलते रहे और उसमें उबाल आते रहे, लेकिन मैं इसे ढक के पकाऊंगी। सारे बॉल्स मैंने डाल दिए हैं फ्रेंड्स, 7 मैंने बनाया था, 7 डाल दिए हैं। अब मैं इसे ढक दे रही हूँ, ढक के मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसे एक बार चला दे रही हूँ ताकि ये उलट पलट जाए, ऐसे तो ये खुद ही रस में उलट जाता है, पलट जाता है। मैं इधर थोड़ा सा रस निकाल ले रही हूँ, इसमें आइस क्यूब्स डाल दी हूँ ताकि ये रस जल्दी ठंडा हो जाए। मैं इसके बारे में बताऊँगी आपको बाद में कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इस
इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि उबाल कम ना हो, उबाल कम ना हो। फिर इसे ढक दे रही हूँ। ये पहले से डबल हो चुका है, अब मैं इसे पहले जो रस निकाल के रखी थी उसमें एक एक कर डालूंगी। ये रस ठंडा हो चुका है, मैं इसे ऑफ कर दे रही हूँ गैस को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये देखिए ये कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। मैं रस निचोड़ दे रही हूँ, फिर भी ये रस वापस पी ले रहा है। आप इस तरीके से जैसा मैंने बताया इस तरीके से आप एक बार बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा रसगुल्ला। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।